जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर बदन से खूबसूरत कोई शर्म नहीं है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर बदन से खूबसूरत कोई शर्म नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का स्थान, स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हमने अपने राष्ट्र के विकास के लिए एक विशेष संविधान को तैयार करके इसे कार्य रूप में लागू करने के लिए सब प्रकार की तैयारी और योजना पूरी की थी। इस संविधान को लागू करके हमने अपने राष्ट्र को पूर्ण स्वायत्त गणतंत्र का स्थान दिया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। 26 जनवरी का दिन हमारी स्वाधीनता के लिए एक अत्यंत महत्व एवं हर्ष का दिन है। 26 जनवरी 1920 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ। संघर्ष चलता रहा, निरीह जनता स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ती रही, अंततः शहीदों का खून रंग लाया और देश स्वतंत्र हुआ। लौह पुरुष सरदार पटेल की योग्यता और साहस ने भारत की 700 रियासतों को मिलाकर तिरंगे झंडे के नीचे ला दिया। 26 जनवरी को रावी तट पर किए गए ऐतिहासिक निर्णय की याद में 26 जनवरी 1950 को अखंड भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत को सर्वोच्च संपूर्ण प्रभुता गणराज्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च शासक माना गया, तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम एक महान राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राजधानी दिल्ली में यह पर्व विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। विजय चौक से प्रारंभ होकर लाल किले तक जाने वाली परेड इस समारोह का मुख्य आकर्षण होती है। इस परेड को देखने के लिए बहुत सवेरे से ही लोग इकट्ठे होते हैं। लगभग प्रातः 8 बजे राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक पर पहुंचती है। प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करते हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के सैनिक राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सैनिकों के बाद स्कूल के बच्चों की टोलियां आती हैं, जो तरह तरह के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। बच्चों की ये क्रियाएं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसके बाद विभिन्न प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की आकर्षक झांकियां निकलती हैं। उनमें राष्ट्र के विकास के प्रमाण चिन्ह विज्ञान, कला, संस्कृति की विभिन्न उपलब्धियाँ दिखाई जाती हैं। पंक्तिबद्ध बैठे हुए दर्शक सामने से गुजरती हुई इन झांकियों को देखकर विशेष गर्व का अनुभव करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्याप्त हो गया। असंतोष का कारण भ्रष्ट शासन और प्रशासन कर राजनीति का अपराधीकरण है। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व है। हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं। धीरे धीरे हमें लोकतंत्र की अहमियत समझ में आ रही है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति खुलकर जी सकता है, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है, मीडिया जागृत हो रहा है, जनता भी जाग रही है, युवा सोच का विकास हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी संबंधी लोगों की फौज बढ़ रही है। इस सब के चलते अब देश का राजनीतिक भी सतर्क हो गया है। ज्यादा समय तक शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपराध और अयोग्यता नहीं चल पाएगी, तभी हमारा भविष्य का गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा। राष्ट्रीय पर्व हमारे हृदय में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करता है और देश पर बलिदान होने वाले वीरों की याद दिलाता है। यह हमें हमारे देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जागरूक रहने का संदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।